हमारी कहानी ख्वाहिश नाम के एक शहर में शुरू होती है जिसे मैप में ढूंढना वेरी इजी है। दिल्ली से लिटिल आगे और चंडीगढ़ से लिटिल पीछे, और या तो अरे छोड़िए, वैसे ख्वाहिश आपके दिल के अंदर भी हो सकता है, जैसे कभी कभी कोई कहानी सच भी हो सकती है। कुछ सच सिर्फ कहानियां होती है और कुछ कहानियां सच होती है। ऐसी ही एक कहानी सड़क के 3 नंबर मकान में शुरू होती है, जहां प्रोफेसर अरुण चैटर्जी अपनी पत्नी रिया और अपने बेटे अलादीन के साथ रहते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अलादीन। अरुण ने अपने बेटे का नाम अलादीन रखा बिकॉज वो मानते हैं कि अलादीन की कहानी सच्ची है। वो कहते हैं अलादीन का चिराग ढूंढ के लोगों का भला किया जा सकता है, और आज अरुण उसी चिराग की खोज में जा रहे हैं। अरुण, 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 देर हो रही है और तुम यहां आराम से। बाय बाबा। बाय दादू। अलादीन बहुत छोटा है, उसे पहाड़ पे ले जाना ठीक नहीं होगा। अरे पिताश्री, पिताश्री, फिर इसका नाम अलादीन रखने का फायदा क्या है? हाँ, इसको जितनी जल्दी एडवेंचर की आदत लग जाए उतना ही अच्छा है। डोंट वरी। अरुण, अब जरा सस्पेंस खोलोगे? बताओगे हम इतनी दूर किस लिए आए हैं? हाँ तो बीवी, प्रोफेसर नाजर और मेरी सारी कैलकुलेशंस कहती है कि ये यहीं कहीं है। तुम्हें ये लैंप मिल गया, उसमें से चीनी भी निकला, तो सबसे पहले क्या मांगोगे? सिंपल, यही कि मैं तुम और अलादीन खुश रहें और हमेशा साथ रहें। लेकिन नाम तो अलादीन है ना डफर, चल चुपचाप घिस। ओ डियर अलादीन, नहीं आया तेरा जिन। और लैंप तोड़ दिया। प्लीज कासिम, लेट मी गो। जीनी निकलेगा तो ही तू जाएगा आलू, समझा? दूसरा लैंप ला। मुझे लैंप नहीं घिसना, लेट मी गो। पकड़ से, पकड़ से, पकड़ से,
आलू।你要看着走走，你现在谢谢你啊，谢谢。मुझे मालूम है आलू कहाँ मिलेगा। मर्चिता जी सुनिए तो, ये तो कितना ने किया क्या है। तुमने मर्चिता के खाने के बारे में कुछ कहा? हाँ, बकवास खाना बनाती है, वर्ल्ड्स वर्स्ट कुक। एक अंडा भी ठीक से बॉईल नहीं कर पाती है। नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? अपना अंडा भी साथ लेते जाना। इसीलिए कासिम, मुझे लैम्प नहीं घिसना है। अरे वाह, नाम अलादीन और लैम्प से नफरत। आलू के लिए लैम्प लाओ। अरे लाना यार। कैसे आदमी हो, अंदर खाना खाते हो, बाहर कासिम से मार खाते हो। ये खाना खाने से तो मार खाना अच्छा है। क्यों, हो गया कि नहीं? हो गया मैडम, देखो। Perfect. अरे वाह, फाइनली चाय पियो जी में टी। टी फॉर टॉर्चर यार। टॉपिक मत बदल। व्हाई डू यू लेट कासिम बुली यू? अपने लिए लड़ता क्यों नहीं? क्यों, अपने लिए लड़कर क्या फायदा, थोड़ी कल जाकर जमाने के लिए लड़ना। अरे अगर कल जमाने के लिए लड़ना पड़े तो क्या ऐसे ही भागेगा? जिंदगी में हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ एक ऐसे रेस्टोरेंट की तरह है जहां सबको टेबल तो मिल जाती है लेकिन मेन्यू नहीं मिलता, और किसके नसीब में क्या खाना लिखा है किसी को नहीं पता। अलादीन चटर्जी, जैसे चाय पियो जी में। वेरी फनी। जब कासिम तुझसे लैम घिसाएगा ना, ऐसे ही हंसना। एंड फाइनली बात करते हैं उस कॉमेट के आने की जो शायद हमारी जिंदगी का सबसे अमेजिंग इवेंट साबित हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि एक ऐसा कॉमेट है जो पूरे 10 लाख साल बाद हमारी दुनिया के ऊपर से गुजरने वाला है। जी हाँ, आफ्टर अ मिलियन ईयर्स। और आइए अब हम बात करते हैं ख्वाहिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबू नाजर से। प्रोफेसर नाजर, वेलकम टू डेली न्यूज़। प्रोफेसर नाजर, प्रोफेसर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कॉमेट 10 लाख साल बाद वापस आए? क्या ये मुमकिन है? देखिए, सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस पर काफी रिसर्च हुई है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट हुए हैं। सारे रिजल्ट्स यही बता रहे हैं कि ये कॉमेट 10 लाख साल बाद आ रहा है। प्रोफेसर नासर, चूंकि हम इस कॉमेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, तो क्या हमें इस कॉमेट से किसी किस्म का नुकसान हो सकता है? क्या इस कॉमेट से कोई खतरा है? कॉमेट से क्या खतरा हो सकता है?
लिंग मास्ता। लिंग मास्ता, रिंग मास्टर। और रिंग मास्टर अपने दोस्तों पर बिजली कभी नहीं गिरने देता। तुम अब भी मेरे दोस्त हो, है ना दोस्त? थैंक यू। अरे हाँ, तुम्हें कहीं जाना था ना? Latest Bollywood blockbuster only on Eurosnow.